सेना मोटू सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। शिमला का बंदा लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा होता है, हेल्पर होते हैं, घंटा हेल्पर यार कसम से, इतना चूतिया बनवा रहे हैं ना लोगों को। वेलकम बैक टू द चैनल इन अनदर ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग जो शुरुआत हो रहा है 9:45 में शुरुआत हो रहा है, बिकॉज आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ? कलका जो मैं पहली बार जा रहा हूँ, एंड मेरा पहला सफर है ये जो है ना हिमाचल के साइड, बिकॉज मैं है ना बहुत घूमने के लिए शौक कर रहे हैं, ट्रैवलिंग करने के लिए। सो देयर्स वे ये जो ब्लॉग बना रहे हैं, आज है मेरे साथ मेरा गऊ वाला। आइए बताओ, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। सो गाइस, हो सके शेयर करो, पूरे दुनिया को फैला दो। हाँ, सो गाइस मैं बताता हूँ आज का व्लॉग जो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, बिकॉज मैं और मेरा फ्रेंड लोग जा रहे हैं शिमला। मैं शिमला पहली बार जा रहा हूँ, एंड मैंने मूवीज में देखा है, वीडियोस में देखा है, बहुत अच्छा लोकेशन होता है। हम लोग जा रहे हैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए, एंड आफ्टर देन हम लोग जा रहे हैं वापस चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद हम लोग जा रहे हैं जम्मू, जम्मू के बाद जा रहे हैं मैं वापस लेह लद्दाख। एंड अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ रेलवे स्टेशन पे। आई होप कि ना ये जो सफ़र जो है अच्छे तरीके से चले, और मेरे साथ है 2-3 फ्रेंड्स हैं, एंड वो लोग ब्लॉग में आने नहीं चाहते बिकॉज वो लोग बहुत शर्मिंदा है। सो दैट्स वे ये अकेला बंदा है कि ना ब्लॉग में आने के, ये बहुत मतलब वीडियोस बनाते यार कसम से, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बंदा देखा कि ना कभी भी कहीं भी जाता ना ये रील्स बनाते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, कुछ भी वीडियोस बना के ये डाल देते ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज पता है मैं खुद एक वीडियो बनाता है ना तो बहुत लेजी होते हैं वीडियो बनाने में ना, तो और एक बंदा साथ में वीडियोस बनाने वाला बंदा हो तो बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। सो दैट्स वे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। सो आज लास्ट डे है दिल्ली में, हमने मतलब लास्ट डे हो गया है ना, आज हम लोग दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ, एंड उसके बाद हम लोग पहुँचेगा चंडीगढ़, चंडीगढ़ से कलका, कलका से शिमला, शिमला से देखूंगा उसके आगे है ना जो जो सफ़र होगा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। मैं वीडियोस बना रहा हूँ सॉरी, बिकॉज है ना मैं जब भी वीडियोस बनाते समय ना बहुत लेजी होते हैं, तो काफ़ी लेजी होते हैं मैं ना, पता नहीं यार मेरे दिल से ना मतलब बहुत मन करता है कि ब्लॉग बनाने में ना, बट बहुत काफ़ी लेजी होते थे। एंड मेरा बैटरी है ना जो अभी मेरा जो GoPro का बैटरी है कितना पता है, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ 33%। अभी जब ट्रेन आएगा ना तब हम लोग ट्रेन के अंदर चढ़ के भी देखूंगा, बिकॉज अभी मेरा बैटरी जो है ना बहुत लो है, 150 मिलता हूँ ट्रेन के अंदर। तो गाइस फाइनली हम लोग ट्रेन पे बैठ चुका है, हमारे पास जनरल टिकट था ना, लेकिन हमने कुछ जुगाड़ करवा के कौन सा टिकट करवाया हमने, स्लीपर टिकट करवाया हमने, कुछ जुगाड़ करवाया मतलब TD से बात करवा के पैसा दे के हम स्लीपर के अंदर बैठा हूँ अभी है ना। नहीं तो पता है जनरल पे इतना गंदा था ना, लेटर लेके आप बताओ कि इतना बहुत गंदा था यार कसम से, कचेड़ा था, पानी सारा आ रहा था। जब हम जम्मू टू दिल्ली आ रहा था ना उसमें भी है ना इतना जनरल पे गंदा नहीं था, ठीक है, बट ये जो जनरल था ना भाई बहुत गंदा यार। हमने TD से बात करवा के सारी चीज़ें करवा लिया ना, तो अभी यहाँ पे लेटता हूँ थोड़ा सा ना, लेट के मूवीज़ वगैरह देखता हूँ, मेरे पास मूवीज़ पड़ा है। कौन सा मूवीज़ तूने बताया ना डालने के लिए? इंडोरिस। हाँ पता नहीं यार, इंडोरिस मैंने देखा नहीं, ठीक है, लाइक काइंड ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर है, ठीक है। सो ऐसा कुछ है, अभी यहाँ पे लेट के ना हवा खा के फिर लेट सी गाइस देखता हूँ। अभी 11:52 बज रहा है, मुझे ना मूवीज़ भी देखना है, बैटरी का चार्ज अभी कितना है मैं देखता हूँ, 63 बैटरी का चार्ज 63। एंड मूवीज़ देख के सफ़र करूँगा, आज का सफ़र कैसा होगा आई डोंट नो है ना, एंड होप करता हूँ कि अच्छा होगा। तो अभी हम बैठे हैं ओके गाइस, सो सफ़र होता होता है मिलता हूँ, लेट्स ही है ना क्या होता है देखता हूँ। अभी मेरा बैटरी भी है ना चार्ज सिर्फ 19% है, मैंने बताया आप लोगों को ना पहले 30% है, अभी पता नहीं 18% आ गया सीधा डायरेक्टली, 19 था 19 to 18 आ गया, अब 17 16 18 15 14 देन 13 12 0 पहुँच गया सीधा ना। सो इसलिए मुझे नहीं चाहता है कि ना मेरा बैटरी जो ख़त्म हुए, सो लेट्स ही गाइस मिलता हूँ। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं कलका टू, हम शिमला जाना है ना, तो हम चंडीगढ़ कवर कर चुका है, बट नींद नहीं आ रही है, आँखें खराब हो गया पता नहीं यार, गूगल देखे ना। सो सारे लोग सो रहे हैं, मैं अकेला ब्लॉग बना रहे हैं। अभी हम कलका पहुंचने पे लग जाएगा लगभग आधे घंटा है ना मेरे ख्याल से। तो गाइस अभी हम पहुंच चुका है कलका स्टेशन, 5:34 हो रहे हैं, कलका स्टेशन पे पहुंच चुका है। अभी हम जा रहे हैं शिमला के लिए ना, स्टेशन ढूंढ रहे हैं, स्टेशन मतलब ट्रेन ढूंढ रहे हैं,
हमें पता नहीं ना, पहली बार आया है यहाँ पे। बहुत ठंड है ना, बहुत पहाड़ी है यहाँ। मेरे मैंने देखा है अभी है ना, मतलब लाइक काफ़ी पहाड़ी है। मतलब मुझे लगता है यहाँ से शिमला बहुत नज़दीक है ना, क्योंकि हिमाचल पे तो पहाड़ी होते होते है ना ओबियसली। तो देख यहाँ पे अनार अनार सारे है ना। अभी सुबह सुबह से पागल पानी शुरू कर दिया यार इन्होंने। यार देख अभी 5:34 ओके। सो पता नहीं यार कितना बजे पहुँचेगा शिमला है ना, मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि मैं पहली बार हूँ शिमला है ना। सो लेट्स सी है ना, यहाँ पे काफ़ी ठंडा है, मौसम अच्छा है काफ़ी है ना। हमने देख नीचे चड्डी पहन के रखा है, इसलिए देखिए ये तो हाफ पैंट पहन के रखा है यार। क्या पहन के रखा है अभी हम लोग यहाँ से टिकट लेंगे, टिकट लोकल टिकट। लोकल टिकट लेने पड़ेगा, बिकॉज हमने ना सिर्फ कलकत्ता टिकट लिया है, वो भी हमने जुगाड़ करवा के है ना। हमने जनरल का टिकट लिया फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, तो उसके बाद हमने लिया है ना किसी टीडी को जुगाड़ करवा के, फिर टिकट लिया हमने ना कौन सा स्लीपर के अंदर है ना। तो अभी हम यहाँ से लोकल टिकट ले गए हैं ना शिमला के लिए। सो लेट सी गाइस है ना, मिलता हूँ कि नहीं मिलता हूँ देखता हूँ, मिलना चाहिए ना बिकॉज शिमला के लिए तो यहीं से जाता होगा शायद मेरे ख्याल से। अभी देख सारे गाड़ी है ना HP हिमाचल, सारे गाड़ी हिमाचल का। देख वहाँ पे टैक्सी है ना हिमाचल का, सारे हिमाचल का। एंड पहाड़ी भी है ना, अभी इतना अच्छे से नहीं देख रहा बिकॉज अभी है ना पूरा सुबह भी नहीं हुआ है। सो गाइस अभी हमने टिकट करवा लिया, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता सस्ता मीन्स है ना। यहाँ से अभी लोकल ट्रेन है ना कलका से शिमला के लिए, आई थिंक कितना घंटा लगेगा, नियर अबाउट 3-4 hours, 50 rupees में मिला हमें टिकट यार। अगर इतना सस्ता होगा ना मैं तो रोज़ जाया करूँगा यार, है ना। शिमला हम जा रहे हैं शिमला की टिकट करवाया हमने। कहाँ का टिकट करवाया हमने? शिमला छोड़िए गना गाँव यार। सो गाइस काफ़ी अच्छा सा सफर जा रहा है, ये बहुत गाना अच्छा गाते हैं यार, बहुत अच्छा गाना गाते हैं ये। इतना भी है ना मतलब हल्का भी मत देना इसको कभी भी है ना। और आप लोग ने एक चीज़ नोटिस किया मेरे बॉडी पे, देख ये जो है ना जैकेट से मैंने सरोजनी नगर से ख़रीदा है, महंगा है बट अच्छा है काफ़ी है ना। मेरे पे जांच रहा है ना, इसलिए मेरे पे सूट कर रहे हैं, देर से मैंने ये ख़रीद लिया। हमने सुबह सुबह है ना किसी से हेल्प मंगा है कि ATM के लिए ना, उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया कि ना भाई आप इधर जाओ, वहाँ से जाके लेफ्ट लो बोल के ना हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है, बहुत अच्छा लगा। ओ इस स्टैंड पे जाना है यार हम लोग, देख काफ़ी अच्छा यार भाई। आप मुझे पता चल गया कौन सा ट्रेन पे जाना है हमें यार, मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। ट्रेन जो है ना काफ़ी अच्छा है यार, मुझे पता चल गया। वो जो है ना उस पर जो कोयला डलते ना, कोयला डलते ना, उस ट्रेन पे जाना है हमें, मैं आपको दिखाऊंगा। वेट लेट्स सी दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला ट्रेन पे जाना है, इस ट्रेन पे हम चढ़ के जाना है यार। काफ़ी अच्छा सफ़र होना चाहिए बिकॉज शिमला इज द माई फर्स्ट टाइम ना। तो यहाँ पे देखे ना साफ सुथरा करने वाला है, तो काफ़ी कम से कम देख तो रहे ना भाई कोई ट्रेन स्टेशन पे। तो हमने दिल्ली में तो दिल्ली बहुत बड़ा स्टेशन है यार, साफ सुथरा भी नहीं है, बट पता नहीं चलता है यार। लेट्स सी हमें क्या लेना देना है ना, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए ना यार। काफ़ी छोटा ट्रेन है यार ये, तो काफ़ी छोटा ट्रेन है। देख इसके अंदर देख सकते हो, देख कितना अच्छा सा बैठने के लिए, देख सीढ़ी है, एक एक बंदी के लिए सीढ़ी है, बहुत अच्छे है मतलब है ना, काफ़ी अच्छे है। अभी मुझे लगता है ये जो ट्रेन है ना, जो इसमें जाने पड़ेगा हमें उठ के भी, मुझे लगता है अगर सीट नहीं मिले तो हमें उठ के जाने पड़ेगा यार ओबियसली। तो फाइनली हम लोग ट्रेन के अंदर पहुंच चुका है, काफ़ी छोटा ट्रेन है ना ये, पता है ये इस ट्रेन पे चढ़ के हमें फील क्या रहे, जो ले लेता का मजदा होता है ना उसकी तरह यार, कसम से है ना मोटू बद्दू। काफ़ी छोटा ट्रेन है यार ये ना, काफ़ी छोटा ट्रेन, इतना से गैप, देख अगर मैं इतना तक बैठता ना, देख सिर्फ इतना से छोटा सा गैप इतना से छोटा सा गैप। अभी ट्रेन ने हॉर्न मार दिया, बस अभी हम जाने वाले हैं। काफ़ी अच्छा ट्रेन है यार, छोटा सा काफ़ी छोटा सा है। देख वहाँ से जा रहे हैं ना ट्रेन, ये जो लोकल ट्रेन है मुझे पसंद है यार कसम से। वही ये जो ट्रेन खरीद लिया हम, हाँ कितना का होगा इसका? 80,000 का। हमारे पास टिकट है, टिकट पता है अलग अलग सा होता है ना, मतलब जो वैसे जो नॉर्मल ट्रेन होता है ना उसमें होता है कि स्लीपर और जनरल होता है ना, उसी की तरह है ना इस ट्रेन पे भी है ना। हमने 50 rupees का टिकट करवाया, तो उन्होंने कहा कि ना 50 कितना का टिकट करवाया, मैंने कहा है ना 50 rupees का टिकट करवाया, उन्होंने कहा इस पे बैठने के लिए। अगर 100 rupees का करवाया तो इससे भी बेहतर, 150 का करवाया तो इससे भी बेहतर, 200 का करवाया तो इससे भी बेहतर है ना। अच्छा अच्छा काफ़ी अच्छा है ना, तो हॉर्न मरा है ना, हॉर्न मरा तो गाइस ट्रेन ने हॉर्न मरा ना पोंप करके, अगर 3 पोंप कराया तो फिर चल जाएगा यहाँ से ना। तो गाइस ट्रेन चालू हो गया है, ट्रेन जो है ना चालू हो गया। बाबा भैया
भैया बाय बाय, मिलते फिर जब मैं। उदास क्यों हो रहा है यार, सुबह सुबह उदास नहीं होने चाहिए यार कसम से। पता नहीं बीबी ने मूड ऑफ कर दिया होगा ना शायद मेरे ख्याल से। फिर रुक गया यार ट्रेन जो ना, ये जो ट्रेन चलता है ना काफ़ी अच्छा लगता है ना, मतलब लाइक काइंड ऑफ की ना, मतलब ट्रेन की तरह नहीं लग रहा, ये किसकी तरह लग रहा है जैसे कुछ रेल ही चल रहा है वैसे यार। पता है ये जो ट्रेन पे ना, मतलब देख वो जो कोयला डालता है ना ऊपर से, देखा वो जो धुआं भी निकाल रहे ऊपर से, देख रहे हैं आप लोग। अब ट्रेन जो है ना चालू हो गया, काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड ये ट्रेन का जो है ना रोड जो होता है ना रोड, मतलब ये वाला हाँ बहुत काफ़ी छोटा दिख, वो जो होता है ना नॉर्मल ट्रेन होता है ना बहुत बड़ा होता है, ये काफ़ी छोटा दिख, इसको एक्सचेंज करेंगे। देखिए अब ट्रेन जो है ना छड़क का छड़क छड़क बहुत नॉर्मल से। अरे यार ये देखिए यार कितना छोटा सा ट्रेन आ रहा है यहाँ पे, देखिए यार इसको तो मैं हाथ पे उठा लूँगा यार। अरे यार मजाक किया यार, इतना भी ताकत नहीं मेरे पास। देखना यार छोटा, काफ़ी छोटा है ना ट्रेन, बहुत काफ़ी अच्छा व्यूज़ बनाऊंगा। देखना मैं व्यूज़, मतलब व्यूज़ का है ना जो वाइब्स का रिव्यूज़ बनाऊंगा काफ़ी अच्छा। देखना मैं आप लोगों को बना के इंस्टाग्राम पे दूंगा, अगर आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम पता नहीं है तो नीचे लिंक दिया है, तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप लोग, बातें सीधी कर सकते हैं मेरे साथ। को गाइस क्यों रुका है आप लोग यार, नीचे जाके लिंक पे क्लिक करके मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, मुझे भी काफ़ी सारा फॉलोअर चाहिए। देख कितना अच्छा जा रहे थे यार, ये देख यार, ओह माय गॉड यार, तो गए थे ना, इसको भी कुछ खिलाया करो इन लोगों को भी। भाई यार क्या चाहिए आपको, पैसा चाहिए? घर नहीं मुझे चाहिए, क्या बोलते हैं, पैसा चाहिए? पैसा नहीं चाहिए सर, चाय पीना है कुछ खाने? नहीं सर मुझे 5 रुपए वाला बिस्किट दे, 5 रुपए वाले ओ बीच में क्रीम होते ना वही वाले चाहिए क्या आपको? आपको क्या चाहिए, गाना गाओ शिमला वाला गाना गाओ। काफी अच्छा टहन है गाइस, देखिए इतना सा छोटा सा है, छोटा सा टहन है यार कसम से। वो जो होते हैं ना मूवीज में आपने देखा होगा ना, पों पों करके जाते हैं ना, वही ट्रेन है, एक्जैक्टली वही ट्रेन है गाइस। एक छोटा सा स्टेशन पे पहुंच गया, पता नहीं है ना सो रहा था, सो रहा था ना उस टाइम, मैगी मैं फिर है ना बाहर आया निकल के ना, वैसे तो भूख भी लग रहा है ना, तो भूख मिटाने के लिए हम शिमला में आराम से कुछ खाएगा यार, अभी भी पता नहीं मन नहीं कर रहा यहाँ पे कुछ खाने के ना। कौन सा स्टेशन चलेगी ना गाड़ी, ये ऊपर ही रखना, मैं अभी देखा हूँ 2-3 को मैं चिल्ला रहा हूँ, समझ भी नहीं आ रहा, टकरा जाओगे। कौन से स्टेशन पे है? धर्मपुर। इधर नीचे में नहीं रहना, चलना है ना तो ऊपर पे रहना, नहीं तो टकरा जाओगे। हाँ सही बात सुना है आपने, अगर गिर गया तो गिर गया, मैं तुरंत 2 मिनट में दे दूंगा आरपी आपको, फोटो जा खींच के मैंने पकड़ा दिया ना, फिर उतार लेगा वहाँ। कौन इधर जो लटक रहा है वो लाल टी शर्ट पहने हुआ एक, ये लाल है, कौन सा लाल है यार? ये छोटा सा ट्रेन है यार, कुछ नहीं हुआ यार, इतना भी हमारे पास दम होते ब्रो। लद्दाखी लोग है ना कुछ खाते हैं पता है, जैसे फोलक बोल के, उससे इतना ताकत होता है ना कि गिरने का चांस नहीं ब्रो। कहाँ पे गया टीटी, कहाँ गया इधर जाए, भैया जा रहे यार, पता है मैं कब से यहाँ पे खड़ा था ना व्यूज देखने के लिए, लेकिन पता है सारे व्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, आप मैं व्यूज को पकड़ूंगा, व्यूज 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 हमें व्यूज चाहिए। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुका है शिमला के स्टेशन पे, बहुत सफ़र किया यार 4-5 घंटा लिटरली, लेकिन बहुत बोरिंग हुआ है ना, जो नॉर्मल ट्रेन होता है ना वैसे नहीं यार, ये जो ट्रेन है ना काफ़ी बोरिंग है यार, इतना स्लो चलता है ना, बहुत स्लो चलता है यार, काफ़ी बोरिंग हो गया मैं तो ना सेम ही बताता हूँ। एंड फाइनली शिमला पहुँच गया, एंड शिमला फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट टाइम शिमला पहुँच के कैसे लग रहा है, कैसे हाउ इज़ द स्वागत? यस अच्छा हो गया सफर में, सफर अच्छा नहीं हुआ, बहुत बोरिंग, काफी बोरिंग हुआ सफर जो है ना, बिकॉज स्टेशन थोड़ा बोरिंग हुआ, उसके बाद तो अच्छा हुआ। एंड हमने कुछ खाया भी नहीं ना अभी तक, कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लग रहा है, चने खाया, चना मैंने चना भी इतना नहीं खाया, ठीक है सिर्फ एक चम्मच खाया, अगर अभी कुछ खाना अच्छा से मिला ना भाई कसम से कह रहा हूँ, इतना खाना खाने का मन कर रहा है ना, इतना भूख लग रहा है लिटरली,
बहुत भूख लग रहा है। सो ये जो ट्रेन है ना, इस ट्रेन पे आया हम लोग ना, मतलब इस ट्रेन पे ऐसे वाला ट्रेन था ना, बहुत काफी बोरिंग हुआ यार। तो गैस अभी हमने रूम भी नहीं करवाया है ना, अभी हमने रूम भी नहीं करवाया बिकॉज हमें पता नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। सो रूम भी करवाने हमें, एंड अच्छा थोड़ा बहुत रेस्ट करूँगा एंड उसके बाद एक्सप्लोर करूँगा शिमला है ना। एंड शिमला मतलब सारे पहाड़ी पहाड़ यार। एंड ये जो ट्रेन है ना, बहुत सक्सेस ट्रेन है यार, देखिए यार काफ़ी अच्छा है। देखिए बहुत पुराना ट्रेन लगता है मुझे ना ये जो ट्रेन, काफ़ी पुराना है ये जो सेम ही, ये लगता है मुझे ना अब ये जो मूवीज़ वगैरह में आता ना, मुझे ये जो ट्रेन मूवीज़ वगैरह में मैंने देखा है। ओके गाइस लेट्स गो भैया, चलो लोड चलो। फाइनली पहुंच तो गया ना शिमला पे, लेकिन पता है यहाँ पे बहुत स्कैम कर रहे हैं, कसम से कह रहा हूँ ना। तो उन्होंने कहा हमें ना यहाँ पर जहाँ हम डेस्टिनेशन पे पहुंचा था ना वहाँ तक पता है सिर्फ 200 रुपीज़ बताया उन्होंने ना भाई, 2-3 किलोमीटर से बाकी बस है ना। उन्होंने कहा हमें सिर्फ कितने के लिए पता है, 200 रुपए के लिए। आप देख ये वाला गली नंबर है, देख ये वाला गली नंबर। उन्होंने कहा मेरे को है ना भाई सिर्फ 200 रुपीज़, और जो मेरा फ्रेंड है ना उन्होंने मनाया कि 250 रुपये है, ठीक है। देख यार सिर्फ भाई यार कितना किलोमीटर होगा, जब हमारा जहाँ पे यहाँ लद्दाखी बंदा दिखता होगा ना भाई, चोकलम सर से सिर्फ जो आगे वाला चोकलम सर होगा ना जो पुलिस लेन तक, उतना तक है बस, दैट्स इट, वहाँ तक सिर्फ 250 रुपये भाई, मान लो यार कसम से। मैंने सोचा ना लोगों ने बताया कि शिमला के लोग ऐसे अच्छा होता है, ये होते हेल्पर होते हैं, घंटा हेल्पर यार कसम से गौरव है ना, बहुत गुस्सा आ गया मेरे को यार। 250 रुपये दे दिया ना, मैंने नहीं दिया, इन्होंने दिया, मैंने दिया ना, तैने कहाँ दिया बता, इनको पूछो, मैंने नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है ठीक है, भाइयों ने दिया, बात करते हैं। मेरी आंखें ना, हाँ वो तू औरों को दिखाओ ये आंखें, मैं क्या दिखा रहे, मैं क्या ऐसे ऐसे कर रहा है आंखें, मेरा आंखें है ना मेरी मर्जी, आप ऐसे लुटा रहे बेफालतू में, हाँ बोलते जाएगा आप, आपका महत्व है आपका भाई। देख यार है ना ऐसे पहुंचते स्कैम होते हैं यार है ना, फर्स्ट डे में यार अच्छा नहीं लगता यार, जब हम लद्दाख में कोई भी बंदा आता है ना इतना तो स्कैम नहीं करते, सेम ही कहता है ना मेरी तरफ से, ठीक है जहाँ तक मुझे लगता है ना, जहाँ तक मैंने देखा है ना कोई भी स्कैम नहीं करते भाई, कसम से कह रहा हूँ भाई। मेरे घर में भी है ना कोई बंदा होता है कि ना टैक्सी चलाने वाला बंदा, ना तो स्कैम नहीं करता मुझे पता है इतना तक ना भाई। यहाँ शिमला का बंदा लोग कहते हैं ना बहुत अच्छा होता है, हेल्पर होते हैं, घंटा हेल्पर यार कसम से, इतना चूतिया बनवा रहा है ना लोगों को। तो फाइनली गाइस हमें रूम मिल चुका है, व्यूज देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे ना, एंड रूम का प्राइस जो है ना थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस है, गुड है ना, नॉट बैड कि रूम अच्छा मिला, मतलब इतना भी अच्छा रूम अच्छा नहीं है, मतलब ना देख सकते हैं जैसे कि ना यहाँ पे एक छोटा सा सोफा है एंड बट रूम जो है ना थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है यहाँ पे ना। अच्छा हम लोग सही सलामत पे पहुँच गए ना शिमला में, एंड रूम भी ले आए हमने ना, अभी खाने खाने के लिए जाना है। सो गाइस आज का व्लॉग जो यहीं पे एंड करवाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, मिलता हूँ अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।